नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जी आदि टाटा की जयंती पर सोनारी एयरपोर्ट पर लगी जहाजों की प्रदर्शनी। सावन माह की पहली सोमवारी को शिवालयों में उमड़ी भीड़। और गुलमुरी पुलिस लाइन में फॉरेंसिक जांच के लिए दिया प्रशिक्षण। अब खबरें विस्तार से। भारत रत्न जे आर डी टाटा के 190वें जयंती पर आज शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सोनारी एयरपोर्ट में जहाजों की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में अभिभावक व बच्चे पहुंचे थे। एक साथ करीब आधा दर्जन छोटे बड़े जहाजों को देख बच्चे काफी खुश दिखे। कुछ बच्चों ने कहा कि एक साथ इतने जहाजों को देख उन्हें काफी खुशी हो रही है। हाँ बताओ, आज क्या देखने आई हो? आज किसका बर्थडे है? जोर से बोलो। हाँ, क्या दिख रहा है यहाँ पे? कैसा लग रहा है एरोप्लेन? बड़ा लग रहा है। इतना बड़ा देखे कभी? कितना सारा एरोप्लेन दिखा यहाँ पे? कितना सारा? यहाँ क्या देखने आई हो बताओ? एरोप्लेन। कैसा लगा देख करके? अच्छा लगा। तो है कीजिए ना भैया। सावन मास की पहली सोमवारी को शहर के शिवालयों और मंदिरों में शिव भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। एक पंडित ने सावन मास के सोमवारी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के दिन व्रत रखने और पूजा अर्चना करने से भगवान शिव से मांगी गई इच्छाएं पूर्ण होती है। हारी है, इसे करने से घर में सुख शांति मिलती है, घर परिवार में सुख शांति मिलता है, किसी प्रकार आपत्ति विपत्ति दुर्घटना से बचाते हैं और रोजी रोजगार में बरकत देते हैं। इसलिए हम लोग को शिव का सोमारी व्रत करना अति उत्तम है। दिन भर उपवास रहे, रात में नमक छोड़ करके रोटी दूध खा सकता है। गुलमुरी पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आरक्षियों को फॉरेंसिक जांच सहित कई अन्य सूक्ष्म जानकारियां दी गई। डीएसपी कन्हैया उपाध्याय ने बताया कि कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मियों को फॉरेंसिक जांच सहित कई गहन सूक्ष्म जानकारियां उपलब्ध करना है। इससे पुलिस कर्मियों को किसी मामले की जांच में सहूलियत होगी। उधर से आंसर भी आपको दे देगा।
कि फलना क्रिमिनल का ईमेल पर पढ़ लीजिए। फिंगरप्रिंट कैसे लिफ्ट किया जाएगा, कैसे उसको प्रिजर्व किया जाएगा, कैसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा, तो सबसे पहले हमारे आईओ यह जाने कि कोई भी फिंगरप्रिंट को हम कैसे उठाएंगे, उसको कैसे उठा के प्रिजर्व करेंगे। तो उसी उसका जो किट हम लोगों को मिला है सरकार की तरफ से, हर एक अफसर को हम जानकारी दे रहे हैं, उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसमें पाउडर है, उसमें ऑस्टिच का ये है ब्रश है, ऑस्टिच फीडर का, और जितने भी उसमें नए नए टेक्निक के से लिफ्ट करने का उपाय है, उस सारा उसमें सामान है। इसकी जानकारी हम लोग अफसर को दे के किट हर एक थाना में बांटे गए। CRSP का और DGP का ऑर्डर है कि सारे थाने को दिया जाए और वहाँ जाके सारे लोग साइंटिफिक ढंग से अनुसंधान करें ताकि हम लोगों को कन्विक्शन सिक्योर करने में बने। ग्रेजुएट कॉलेज की इंटर प्रथम वर्ष की कंचन नामक छात्रा पर रविवार शाम बागबेड़ा DB रोड पर कुछ अज्ञात युवकों ने उस तरह से गला पर वार कर दिया। उसका इलाज MGF अस्पताल में चल रहा है, जहां वह बोल पाने की स्थिति में नहीं है। ये घटना उस समय घटी जब उक्त छात्रा ट्यूशन पढ़कर घर वापस लौट रही थी। DSP कन्हैया उपाध्याय ने कहा कि अभी छात्रा बोले जाने की स्थिति में नहीं है, मामले की छानबीन की जा रही है, छात्रा से पूछताछ के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। डीबी रोड बागबेड़ा में भिखारी होटल के पास गली में कोई लड़का पीछे से आके माल से दाब दिया और इसको सवाल किया अस्तूरा से, और उसको हम छुरा नहीं कहेंगे, अस्तूरा जो पतला कटिंग है। कहाँ पढ़ती थी, कितने क्लास के स्टूडेंट? एक्चुअली IA की लड़की है जो सिलाई में ट्यूशन पढ़ने जाती थी, और इसके माता पिता रोड नंबर 1 बागबेड़ा में रहते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं। थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, रीजन क्या हो सकता है, क्या अनुमान लगा रही है पुलिस, क्यों नहीं? अभी हम लोग थोड़ा सा अभी हम थाना प्रभारी से बात किए तो बोले कि सर वहाँ के लोगों का कहना है कि कोई घटना घटी नहीं है, तो बात क्या है थोड़ा सा समझना होगा। लड़की भी झूठ क्यों बोलेगी, इसका रीजन होना चाहिए हमारे पास, प्लॉजिबल रीजन होना चाहिए कि झूठ क्यों बोलेगी। सांची स्थित टैगोर सोसाइटी का दीक्षांत समारोह रविवार शाम रविंद्र भवन में आयोजित हुआ। इस मौके पर मेघावी बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए तथा बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कोलकाता के एक शिक्षाविद मौजूद थे। टैगोर सोसाइटी के महासचिव आशीष चौधरी ने कहा कि दीक्षांत समारोह में मेघावी बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है, साथ में बच्चे रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति कर रहे हैं। नेशनल जो संघ है हम लोग को रविंद्र संगीत का आनंद लोके मंगला लोके, ये संघ का साथ मेरा जो ये है बच्चे लोग हैं वो लोग उनको डांस करते हुए उनको स्वागत करके लाए हैं ऑडिटोरियम। इसके बाद चंदन का टीका पराया गया, उनको वरण किया गया। शहर की विधि और यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए टाइगर मोबाइल को हाईटेक किया जा रहा है। फिलहाल अत्याधुनिक संसाधनों से लैस 6 बाइकों को टाइगर मोबाइल को सौंपा गया है। ये जानकारी SSP रिचर्ड लकड़ा ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि शहर के लिए 40 अत्याधुनिक बाइक की मांग की गई थी, जिसमें से 6 बाइक पहुंच चुकी है जो सांची और बिष्टुपुर थाना को सुपुर्द किया गया है। बाकी बाइक बहुत जल्द शहर पहुँच जाएगी। गश्ती के लिए 44 टाइगर मोबाइल की व्यवस्था है, और वो मोटरसाइकिल में घूमते थे, उसका डिफरेंट कलर होता था, लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती थी कि कौन सा टाइगर मोबाइल आखिर में कहाँ घूम रहा है। आम लोगों के पास उसकी किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी, तो इस चीज़ को हम लोग और सरल बनाने के लिए हम लोगों ने किया क्या कि ट्राइब जो टाइगर मोबाइल है उसको एक डिफरेंट कलर का हम लोगों ने मोटरसाइकिल दिया, जिसमें कि हमारा एक लाइट भी लगी हुई है, साइरन भी लगे हुए हैं, जो कि आप लोगों को सामने में दिखाएंगे। तो अभी इस तरह की मोटरसाइकिल हमें 6-7 है। एक पहले हम लोगों को उन्होंने दिखाया था कि किस उसका किस तरह की मोटरसाइकिल होगी, तो हम लोगों ने वो रांची में भी ये हो रहा है और जमशेदपुर में भी, तो हम लोगों ने उसी कलर में देकर उसे बनाया है, और ये बहुत ही खूबसूरत है देखने में भी, और लोगों को ये आकर्षित करेगा और लोगों की जानकारी में भी रहेगी कि ये
टाइगर मोबाइल के लोग घूम रहे हैं उसमें। एमजीएम की ठेका सफाई कर्मी अपनी लंबित वेतन की मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिससे अस्पताल की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। श्यामल सरकार ने कहा कि एमजीएम अस्पताल के सफाई ठेका कर्मियों का लगातार शोषण हो रहा है। कभी ठेकेदार इन्हें प्रताड़ित करते हैं तो कभी वेतन को लेकर इन्हें आंदोलन करना पड़ता है। त्रिदेव इंटरप्राइजेस के मालिक जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया था, हम लोग FIR किए थे, वो भी ब्लैकलिस्ट हो गया। यहाँ से नया ठेकेदार आया, मगर ये मजदूर का जून माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, हालांकि इनके पास पैसा है। दूसरा स्टाफ लोग बोल रहा सुप्रिंटेंडेंट चाहेगा तो एक मिनट में होगा, मगर वो अगर क्या मनसा हमको समझ में नहीं आ रहा। और हम लोग इनको कई एक बार जा करके रिक्वेस्ट किए, हम लोग DLC को लिखित दिए, DLC के पास से मुख्य नियोजक को वेतन का भुगतान करने का आदेश हुआ, मगर किसी का नहीं सुन रहा। यहाँ पर गुंडा राज काम करके रखा हुआ है अस्पताल सुप्रिंटेंडेंट, उसका हम लोग विरोध करते हैं, और जब तक ये मजदूर का वेतन का भुगतान नहीं होगा काम बंद। तृणमूल कांग्रेस ने आज मानगो में एक कार्यक्रम आयोजित कर करीब दर्जन भर लोगों को पार्टी से जोड़ा। पार्टी प्रभारी ने बताया कि TMC को झारखंड में मजबूत करना है, जिसे लेकर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ा जा रहा है। लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता जो है घर से घर जाकर लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं। जिस तरह ममता दीदी ने 35 साल संघर्ष कर आज पश्चिम बंगाल में पूरी बहुमत की सरकार बनाई है, झारखंड भी उसी परिस्थिति से गुजर रही है, इसलिए साफ सुथरी छवि को देखते हुए आप सभी अपने जो मत का अधिकार, जो आपका मत का अधिकार मिला गया है, जो बहुत ही उसका कीमती चीज है, उसे किसी तरह का लुभावनी चीज में ना पढ़कर आप ममता दीदी का साथ दें। उत्तराखंड के आपदा प्रभावितों के सहायतार्थ रविवार शाम राजेंद्र विद्यालय प्रेक्षागृह में सनराइज वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एक शाम उत्तराखंड के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इस मौके पर SDO सुबोध कुमार ने भी गीत पेश किए। समारोह में ADC गणेश कुमार भी मौजूद थे। So